हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पैकेज। ओके, पाइथन में पैकेज समझने वाले हैं। और गाइस, हमने जैसे कि पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल मतलब कि सेट ऑफ क्लासेस, फंक्शंस, वेरिएबल्स होते हैं। ओके, एक सोर्स फाइल होती है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी चर्चा किया हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे आप ज़रूर देखें। और गाइस, आज भी हम पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं विथ प्रैक्टिकल। तो गैस, मॉड्यूल जैसे कि हम जानते हैं मॉड्यूल क्या होता है, जैसे कि एक सोर्स फाइल है। लेट्स इमेजिन, क्योंकि हमें पैकेज समझने के लिए हमें सोर्स फाइल समझना होगा। ओके, मॉड्यूल समझना होगा। ये सोर्स फाइल है, इसका नाम मैंने रखा मान लो प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग डॉट पाई। ओके, तो ये क्या है, एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है, और इसके अंदर मान लो एक और सोर्स फाइल है, मान लो। ठीक है, एक और सोर्स फाइल है और उसका मैंने नाम रखा p2.py। ठीक है, तो ये दो फाइल्स हैं, मतलब कि अब दो फाइल्स हो सकता है किसी फोल्डर के अंदर हो। मान लो हमने इसका नाम रख दिया फोल्डर फोल्डर, या फिर इसका नाम रख देते हैं पी फोल्डर। ओके, पी फोल्डर मैंने नाम रख दिया। इसके अंदर कितनी फाइल्स हैं, दो फाइल्स हैं गाइस। यहाँ पे देखें, अगर दो फाइल्स हैं, ठीक है, इस फोल्डर पी फोल्डर के अंदर दो फाइल्स हैं, एक प्रॉग डॉट पाई है और एक पी टू डॉट पाई है। हो सकता है इस फोल्डर के अंदर ई फोल्डर और हो, जैसे मान लो फोल्डर फोल्डर सब नाम मैंने रख दिया, मान लो सब फोल्डर है। मैंने यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा गड़बड़ कर दिया, फोल्डर सब कर दिया। ठीक है, मतलब पी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर भी है और उसके अंदर ये दो फाइल है। तो गैस, मतलब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया हमारे मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल, और ये हमारा एक फोल्डर है, मतलब इसके अंदर कई फोल्डर्स हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ। ओके, ये हो गया हमारे सब फोल्डर, सब फोल्डर। ओके, जिसको हम सब डायरेक्टरी भी बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के गाइस हमारा क्या बनता है, एक पैकेज। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये अगर मैं इतने को इतने पोर्शन की बात करूँ, ये पी फोल्डर हमारा एक पैकेज हो चुका है। मतलब कि एक पैकेज है जिसके अंदर हमारे कई फाइल्स हो सकते हैं, मॉड्यूल्स हो सकते हैं, मॉड्यूल प्लस कई सब फोल्डर हो सकते हैं, और उस सब फोल्डर के अंदर फर्दर मॉड्यूल हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक फंडा समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है कंप्यूटर, उसमें भी हम इसी तरह से फाइल ऑर्गेनाइज करके रखते हैं बेसिकली। राइट, अब गाइस हम चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। और गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, ये पी फोल्डर क्या कहलाएगा, पैकेज। ठीक है, लेकिन ये पैकेज तब कहलाएगा जब इसके अंदर एक फाइल और होगी, वो होनी चाहिए हमारी डबल अंडरस्कोर इनिट। तो इसे हम कहते हैं पैकेज। अभी हमारा पी अंडरस्कोर फोल्डर एक पैकेज बन चुका है, अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबलाइन मैंने टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, मान लो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं, सिंपल सा स्वैप का ही लिख लेते हैं, डेफ। तो यहाँ पे ए में बी असाइन हो जाएगा और बी में ए असाइन हो जाएगा, राइट। इस तरह से स्वैपिंग हो जाएगी। इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ मान लो मॉड्यूल, इसका नाम ही मैं रख देता हूँ मॉड्यूल। इस प्रोग्राम को ना करके मैं सीधे सीधे इसका नाम मॉड्यूल ही रख देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एम वर्सेस पी के अंदर सेव कर रहा हूँ, मतलब कि मॉड्यूल वर्सेस पैकेज। ठीक है, तो इसका नाम रखता हूँ मॉड मॉड्यूल, रख देता हूँ फुल नेम यूज़ करता हूँ, मॉड्यूल डॉट फाइल। ओके, कंट्रोल एस किया और एक और नई फाइल मैं ओपन करता हूँ, और इसका नाम मैं रखता हूँ मेन। यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, अच्छा अभी क्या किया गया, हमने इसको सेव कहाँ किया, मॉड्यूल के अंदर। ओके, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको एक फोल्डर के अंदर सेव करते हैं, न्यू फोल्डर, इसका नाम रखते हैं पैकेज। ठीक है, ताकि नेमिंग कन्वेंशन से भी इसको मैंने इसके अंदर फर्दर कर दिया, राइट। और यहाँ पे एक बाहर फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़। ओके, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉल कराऊंगा। अब कॉल कैसे कराना है, पैकेज को देखो, पैकेज क्या, फ्रॉम पैकेज क्या हमारा है, नेम है फोल्डर का, पैकेज का नेम है पैकेज। पैकेज यूज़ किया इम्पोर्ट, उसके अंदर हमारा फंक्शन क्या था, ठीक है, स्वैप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पैकेज और उस फाइल का नाम क्या था, सॉरी मॉड्यूल। तो यहाँ पे डॉट मॉड्यूल भी कर सकते हैं, मॉड्यूल एक ये तरीका है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे पैकेज का नेम रखा, उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉल कर लेना है, यहाँ पे फुल नेम हमें देना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट स्वैप।
है, और यहाँ पे 2590, और इसको मैं मेन लिख देता हूँ, मेन डॉट पाई। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, और इसको यहाँ से इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, ओके नो करके। ठीक है, और कंट्रोल एस। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पैकेज बन गया। और एक फाइल और बनानी है न्यू, ठीक है, इसको एम्प्टी ही रखना है, सेव करना है, हमें पैकेज के अंदर सेव करना है। ठीक है, इसको ना भी बनाएंगे तो, नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बट इसको बनाना इम्पॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, क्योंकि हर केस में ये चलता नहीं है, तो पैकेज की ये एक इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी आप कह लो, या फिर ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि एक उसके अंदर डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डॉट पाई नाम की फाइल होनी चाहिए, जो कि उसके अंदर एम्प्टी होती है। उसका यूज़ बेसिकली इसलिए किया जाता है कि जब भी हम यहाँ पे जो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, जब फाइल इंपोर्ट करते हैं, अभी मैं नहीं दिखा सकता हूँ, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ओके डॉट पाई सेव कर लिया, ओके। तो मतलब जब भी हम ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, तो सबसे पहले ये जो इनिट है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके थ्रू जो है कुछ फंक्शनैलिटी जो डिपेंडेंसी होती है वो चीज़ फुलफिल की जाती है, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आगे समझेंगे जब हम आगे क्लासेस की ओर बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली इनिट को और अच्छे से समझेंगे, राइट। इसको मैंने सेव किया, अब मैं क्या करता हूँ कि सी एम डी ओपन करता हूँ, और यहाँ पे सी डी डेस्कटॉप मॉड्यूल वर्सेस पैकेज, और यहाँ पे मैं रन कराता हूँ गाइस। फाइल का नेम है मेन, मेन डॉट पाई। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये रन हो चुका है, राइट। तो और अगर मैं इसको यहाँ पे ये मॉड्यूल नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल को यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे डॉट पी कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक मॉड्यूल मैं और बना लेता हूँ, आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ, और यहाँ पे डेफ प्रिंट करा दूँ, मॉड्यूल टू मैं कर देता हूँ, मॉड्यूल टू। इतना सिंपल सा मैंने इसको या इसके अंदर सेव कर दूंगा मैं, और इसका नाम मैं रख देता हूँ मॉड्यूल टू डॉट पाई, राइट। अब क्या करूँगा मैं मेन के अंदर, अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैंने एस्ट्रिक्स यूज़ कर दिया तो मतलब कोई भी मॉड्यूल आ सकता है, लेकिन गाइस क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पे अभी क्या पर्टिकुलर मॉड्यूल, यही मॉड्यूल वन ही एक्सेसिबल है, मतलब मॉड्यूल ही एक्सेस है, मॉड्यूल टू नहीं एक्सेस। अगर एस्ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो कोई भी मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका फंक्शन यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल और कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैं सो मेथड को यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल एस, और मैं इसको रन करा सकता हूँ, ओके मॉड्यूल टू होगा गाइस। यहाँ पे हमें फंक्शन और जो भी इसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी वो एक्सेसिबल हो जाएगी, यहाँ पे मॉड्यूल टू, ओके। और इसको अगर मैं रन कराता हूँ गाइस, ओके व्हाट हैपन, वेयर इज़ द प्रॉब्लम, ओके गाइस अभी हमने मॉड्यूल का यूज़ कर लिया है, तो सॉरी यहाँ पे जो है फिर नेमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। ठीक है, यहाँ पे नेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फुल नेम देने की, क्योंकि तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर लिया है नेम, तो इसके मतलब यहाँ पे सारे फंक्शन अभी एक्सेसिबल होने चाहिए, दैट्स इट। तो ओके गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट आ चुका है, यहाँ पे मॉड्यूल टू भी प्रिंट हो चुका है। तो गाइस काफ़ी सिंपल है, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइस ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, मतलब कि एक बाहर मेन फाइल है और ये पैकेज है, मतलब फोल्डर है, और फोल्डर के अंदर दो मॉड्यूल है, ठीक है, और उसके अंदर इनिट मतलब कि मॉड्यूल हो सकते हैं, उसके अंदर ये फाइल होनी चाहिए और सब फोल्डर भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है पैकेज का, बस यही अंतर है गाइस। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो गाइस यहाँ पे किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि आगे की वीडियो में जैसे कि अभी हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट में बढ़ेंगे और जैंगो की सीरीज जब स्टार्ट करेंगे, तो ये चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मॉड्यूल और पैकेज क्या होता है, राइट, ताकि आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखते समय आपको प्रॉब्लम ना। सो इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।